नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नम्रता शर्मा। जब से मुख्तार अब्बास नकवी ने केंद्रीय मंत्री पद से इस्तीफा दिया है, तभी से बहुत सारे कयास लगाए जा रहे हैं। ये कहा जा रहा है कि मोदी सरकार हो सकता है कोई और बड़ी जिम्मेदारी नकवी को दे दे। खबर मिल रही है कि संगठन की जिम्मेदारी उनको दी जा सकती है, ठीक वैसे ही जैसे प्रकाश जावड़ेकर और रविशंकर प्रसाद को दी गई। फिर कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि पश्चिम बंगाल का राज्यपाल उनको बनाया जा सकता है। हालांकि इनमें से किसी भी अटकल पर अब तक आधिकारिक तौर पर पुष्टि नहीं हुई है, मोहर नहीं लगी है, ना ही इसको लेकर कोई ऑफिशियल ऐलान हुआ है। लेकिन फिर भी दबी जुबानों में मीडिया के गलियारों से इस तरह की खबरें आ रही हैं कि पश्चिम बंगाल का राज्यपाल नकवी को बनाया जा सकता है। इन खबरों को और हवा तब मिली जब पश्चिम बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ को उपराष्ट्रपति पद के लिए दावेदार बना दिया गया। अब नकवी को कौन सी बड़ी जिम्मेदारी मोदी सरकार देगी, ये देखना दिलचस्प होगा। लेकिन इन सब के बीच बीजेपी सांसद हंसराज हंस ने एक ऐसी गलती कर दी जिसको लेकर अब उनकी चर्चा हर तरफ हो रही है, उनका मजाक उड़ रहा है। बीजेपी में रहते हुए उन्हें यही नहीं पता कि बीजेपी अगला कदम क्या उठा रही है, या फिर जो खबरें उन्होंने पढ़ी उसी के आधार पर उन्होंने पोस्ट कर दिया और उसके बाद वो ट्रोल हो गए। हुआ ये कि बीजेपी सांसद हंसराज हंस ने नकवी को बाकायदा बधाई भी दे दी, पश्चिम बंगाल का राज्यपाल बनने को लेकर एक ट्वीट किया और उसके बाद उनको बधाई दे दी। हालांकि अपनी गलती पता लगने के बाद उन्होंने अपना ट्वीट डिलीट कर दिया, लेकिन सोशल मीडिया का दौर है, तब तक वो ट्वीट वायरल हो चुका था। केंद्र सरकार द्वारा मुख्तार अब्बास नकवी को बंगाल का नया राज्यपाल बनाए जाने पर बधाई और उनका ये ट्वीट आने के कुछ देर बाद ही उनको अपनी गलती का एहसास हुआ और उन्होंने उसके बाद अपना वो ट्वीट डिलीट कर दिया। सोशल मीडिया पर चूंकि ये ट्वीट वायरल हो चुका था तो लोगों ने हंसराज हंस को भी ट्रोल किया। नकवी के बहाने मोदी सरकार से भी लोगों ने सवाल पूछने शुरू कर दिए कि अब नकवी के लिए आपने क्या सोचा है। ये वो मुस्लिम नेता रहे हैं जिन्होंने हर मुद्दे पर आगे आकर मोदी सरकार का बचाव किया, खासकर तब जब मोदी सरकार पर आरोप लगा कि वो मुस्लिम विरोधी है। जो भी कोई स्कीम्स लाई गई, योजनाएं लाई गई, कोई कड़े फैसले कानून लाए गए, तब तब मुख्तार अब्बास नकवी ने आगे आकर उन फैसलों का समर्थन किया और मुस्लिम समुदाय को बताया कि ये कैसे जरूरी है। कई बार मोदी सरकार का बचाव किया और ऐसे में पहले मुख्तार अब्बास नकवी ने अपने पद से इस्तीफा दिया और उसके बाद अब ये खबर मिलना कि वो राज्यपाल बनाए जा सकते हैं या संगठन की जिम्मेदारी मिल सकती है, लेकिन औपचारिक तौर पर कोई ऐलान ना होना कई तरह के सवाल खड़े कर रहा है। कुछ लोगों ने तो ये तक कहना शुरू कर दिया है कि कहीं उनका राजनीतिक करियर खत्म तो नहीं होने जा रहा। खैर, इन सब के बीच फिलहाल आपको बता दें कि मणिपुर के राज्यपाल ला गणेशन फिलहाल बंगाल का अतिरिक्त प्रभार उनको सौंपा गया है, राज्यपाल की जगह पर फिलहाल वो अब सारी चीजें देख रही हैं। और यहाँ पर आपको ये भी बताते चलें कि 6 अगस्त को उपराष्ट्रपति पद के लिए चुनाव होगा और इसके लिए सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक के लिए वोटिंग होगी। बता दें आपको, जहाँ एक तरफ एनडीए की तरफ से जगदीप धनखड़ को मैदान में उतारा गया है तो वहीं दूसरी तरफ यूपीए की तरफ से मार्गरेट अल्वा को मैदान में उतारा गया है। देखना होगा किसको जीत मिलेगी, लेकिन इन सबके बीच नकवी का क्या होगा, ये बड़ा सवाल है। आप इस पूरी खबर को लेकर क्या राय रखते हैं, कमेंट करके जरूर बताएं।